उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज की एक नई वीडियो, और आज की इस वीडियो में आप दोस्तों के साथ मैं 9th क्लास की इंग्लिश का एक पेपर शेयर करूंगा। आप लोगों ने अपनी तैयारी तो करनी ही करनी है। कुछ बच्चों ने सारी की होगी, कुछ बच्चों ने कम की होगी, और अभी कुछ लोगों ने गेस पेपर से करनी होगी। तो ये पेपर जो अभी आप दोस्तों के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ, ये नहायत ही अहम पेपर है। इसमें जितने भी सवालात पूछे गए हैं वो बहुत ज़्यादा रिपीटेड हैं। तो अपनी तैयारी के साथ साथ इस पेपर में दिए गए तमाम जो सवालात हैं उनको आपने हर हाल में अच्छी तरह से तैयार करना है। इससे पहले मैं हर क्वेश्चन पर भी गैस बना चुका हूँ, पूरी इंग्लिश के पेपर के भी मैंने गैस पेपर पर वीडियो बनाई है, और ये जो पेपर मैं अभी शेयर करने जा रहा हूँ ये मरूजी सवालात और निशाइया सवालात यानी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ये बहुत ही अहम है। और इस पेपर को आप दोस्तों ने अच्छी तरह से लाजमी तैयार करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ताकि आप दोस्तों को इस तरह की मज़ीद लेटेस्ट वीडियोस और इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो अभी 9th क्लास की इंग्लिश का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पेपर है वो आप दोस्तों के साथ मैं शेयर करता हूँ। ये 9th क्लास की इंग्लिश का गैस पेपर है, और इस पेपर में दिए गए तमाम सवालात जो हैं वो नहायत ही अहम हैं। इससे पहले मैंने 10th क्लास के मुख्तलिफ गेस शेयर किए थे, और 10th की इंग्लिश के 2-3 मैंने गेस पैराग्राफ के ट्रांसलेशन वगैरह के शेयर किए थे, और उन्हीं में से पेपर में सारा पेपर आया है। तो ये 9th की इंग्लिश का एक मैं गेस पेपर शेयर कर रहा हूँ। इससे पहले 9th का डिटेल के साथ मैंने गेस शेयर किया है, 9th की ऑब्जेक्टिव भी शेयर की है, और तमाम सवालात पर भी मैंने वीडियो अलग से बनाई है। लेकिन ये एक पेपर है, उस पेपर में दिए गए तमाम सवालात जो हैं वो बहुत ही अहम हैं, और पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आप अपनी तैयारी कंप्लीट रखें, अपनी तैयारी जारी रखें, और वो बच्चे जो अभी तक अपनी तैयारी कंप्लीट नहीं कर सके हैं, जो गैस पर ज़्यादा उनका फोकस होता है, तो वो बाकी गैस लाजमी करें। लेकिन ये जो पेपर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों इसमें हैं। तो ये सब्जेक्टिव में दिए गए तमाम सवालात भी आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेने हैं, और ख़ास करके जो ऑब्जेक्टिव पेपर में ये जो सवालात हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और मोस्ट रिपीटेड हैं। तो इन ऑब्जेक्टिव वाले सवालात को भी आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, वीडियो को भी लाइक करना है, ताकि आप दोस्तों को मज़ीद लेटेस्ट वीडियोस और इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो पहले मैंने जो गेस शेयर किए हैं, ख़ास करके अब 10th की इंग्लिश के मेरे सारे गेस निकाल लें, उन्हीं में से सारा पेपर आया है। तो ये 9th का एक गेस पेपर है, डिटेल के साथ भी मैंने गेस पेपर बनाया है, लेकिन ये सिर्फ एक ही पेपर है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। इसमें दिए गए तमाम सवालात जो हैं नहायत ही अहम हैं, तो इनको आप लोगों ने लाजमी अच्छी तरह से तैयार कर लेना है, ताकि अगर इनमें से जितने भी सवालात पेपर में आएँ आपको किसी किस्म का कोई मसला ना बने। तो इन तमाम सवालात को आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार लाजमी करना है हर हाल में।